और उसका जिक्र हम करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कमिश्नर अजय मिश्र के रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी गई है। इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे, टाइम्स नाउ नव भारत के पास सर्वे की रिपोर्ट है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व कमिश्नर अजय मिश्र के रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या आउटकम निकलकर सामने आया, वो तीन दिन के सर्वे का दरअसल वो समझना बहुत जरूरी है। और आज इसे कोर्ट में पेश किया जाना है, और वो कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो कोर्ट का क्या रुख होता है, किस तरह का निर्णय सामने आता है, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कोर्ट की प्रोसीडिंग जब शुरू होगी तो पूरे देश के निगाहें उस पर टिकी रहेंगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ भारत के पास वो सर्वे की रिपोर्ट है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस पूरे मामले में तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां टाइम्स नाव भारत आपको दिखाता रहा है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी आकृति है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट एक एक करके डिकोड हम करेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए अनुराग, कल अजय मिश्रा ने ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और रिपोर्ट की कॉपी जो है वो टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि दो दिनों तक मस्जिद परिसर के बाहर अजय मिश्रा की अगुवाई में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट की और उसकी कॉपी अदालत में सबमिट कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हिंदू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर रहे होंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो श्रृंगार गौरी माता हैं, उनके स्थान पर जो कमल है स्वास्तिक है, और इसके अलावा त्रिशूल के चिन्ह जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। उसके ठीक बाद जो है अजय मिश्रा को कोर्ट ने कोर्ट कमीशन की कार्रवाई से मुक्त कर दिया था अनुराग, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है विशाल सिंह को, उसमें भी किसी न किसी रूप में अजय मिश्रा को जोड़ा जाए। लेकिन 6 और 7 मई दो दिनों तक उन्होंने अकेले ही कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम किया। हालांकि उनको मस्जिद परिसर के अंदर जाने से रोका गया था जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। इन दो दिनों में जो कोर्ट कमिश्नर हैं और उनकी टीम ने मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की थी, और जिसमें शिलापट सिंदूरी रंग की आकृति जो है साफ तौर पर दिखाई दी, मलबे में जो कमल की आकृति है वो भी दिखाई दी है, इसके साथ ही दीवारों पर कमल और स्वास्तिक के जो चिन्ह हैं वो साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। तो दो दिनों तक जो उन्होंने सर्वे में पाया उसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने अदालत में सबमिट कर दी है, और आज इसी मामले को लेकर अनुराग अदालत में एक महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में। रविकांत, तमाम कानूनी पहलुओं पर जिक्र और चर्चा तो की जाएगी, लेकिन अगर फौरी तौर पर हम इस रिपोर्ट को समझ पा रहे हैं, जितना हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होता हुआ नजर आता है इस रिपोर्ट में। देखिए अनुराग, अभी तक की रिपोर्ट को देखें, जो रिपोर्ट 2 पन्ने की है जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सबमिट की है, क्योंकि 6 और 7 मई दो दिनों तक वो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर थे, उन्हीं की अगुवाई में ये पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि जब वीडियोग्राफी की जा रही थी तो वहां पर उनको शिलापट मिले भूमि पर काफी लंबे समय से जो पड़े हुए थे, और खंडित मूर्तियां हैं वो भी दिखाई दी, और जो मस्जिद का पश्चिमी दीवार है वहां पर ये। रविकांत, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूँ। एक एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट टाइम्स नाव भारत के पास मौजूद है, दरअसल वो मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने दर्शकों को। लिखा हुआ है, विवादित स्थल के मूल स्थान पर बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति और अन्य शिलापट पर कमल की कलाकृति देखी गई है। दरअसल ये जो ऊपरी 2 लाइनें, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। अगर जैसे जैसे आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या देखा उस कोर्ट कमिश्नर ने, और उन्होंने फिर उसके बाद किस तरह की रिपोर्ट तैयार की। आगे उन्होंने